का समर्थक प्रत्याशी हाजीपुर की धरती हाजीपुर की लोकसभा से घोषित होने पर जहां इस बात का उत्साह है, तो वहीं ये बात मुझे भावुक भी करती है कि हाजीपुर की ये धरती हमेशा मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम से जानी जाती थी। मेरे पिता का नाम हाजीपुर की महान जनता की वजह से देश में दुनिया में जाना जाता था। आज जब वो हमारे बीच नहीं है, यकीनन ये पल मुझे भावुक करता है, पर आज मेरा हिम्मत आप बढ़ाते हैं और मेरे लिए मेरे प्रधानमंत्री जी का यहाँ आना, इससे पहले मेरे पिता मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के भी प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, और आज जब वो यहाँ हैं उन्होंने एक पिता की कमी को मेरे अभिभावक के रूप में पूरा करने का उन्होंने काम किया। एक बार जोरदार ताली आप लोग प्रधानमंत्री जी के स्वागत है। साथियों, मेरे लिए आज हाजीपुर की धरती किसी पवित्र संगम से कम नहीं है। आज यहाँ पर तीन ऐसी मजबूत शक्तियां मौजूद हैं जिन्होंने मेरे पिता के जाने के बाद मेरे कठिन समय में मुझे संभालने का काम किया, मेरा संरक्षण करने का काम किया। भले वो मेरी माता रीना पासवान जी हो, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, और आप सब हाजीपुर की महान जनता, आप लोगों की वजह से ही आज चिराग पासवान का अस्तित्व है। आप लोगों की वजह से ही आज चिराग पासवान आप लोगों के बीच मौजूद हो पाया। कई बड़ी बड़ी शक्तियों ने चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास किया, पर मेरे प्रधानमंत्री जी का प्यार उनका संरक्षण रहा कि मेरे पिता के जाने के बाद भी उन्होंने हमेशा मुझे वो स्नेह वो प्यार देने का काम किया। साथियों, आज ये राजनीतिक मंच नहीं है, मेरे लिए आप सब परिवार के सदस्य की तरह हैं। ज्यादा राजनीतिक चर्चा ना करते हुए मैं बस ये आग्रह करने आया हूँ कि हम सबको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन सही मायनों में हमारे लिए कार्य कर रहा है, कौन दिन रात मेहनत कर हम लोग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। एक हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आज जब यहाँ पर इतनी भारी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने आपके सम्मान की चिंता करते हुए शौचालय का निर्माण करने का कार्य कराया, आपके लिए उज्ज्वला योजना देने का काम करवाया, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए बजाएं। आज पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस बात की चिंता की कि अगर घर पे कोई बीमारी आए तो वो व्यक्ति अपनी जमीन जायदाद गिरवी ना रखनी पड़े, महिलाओं के जेवर को बेचने की नौबत ना आए, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना के तहत 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हर गरीब परिवार को देने का उन्होंने प्रावधान बनाया। आज देश की दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना जिस पर हम सबको गर्व होता है, और इसका श्रेय मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। प्रधानमंत्री जी जानते हैं उस वक्त उनका खुद का स्वास्थ्य खराब था, पर प्रधानमंत्री जी की सोच को धरातल पर उतारने के लिए श्री जर गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। जहाँ हमारी सरकार ने सरहद से सीमाओं को सुरक्षित रखा, अंतरिक्ष के माध्यम से विकास के कार्यों को गति दी, जहाँ किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर गरीब हर मजदूर की चिंता करने का प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया, तो वहीं आज भी कुछ विपक्षी दल के नेता हैं जो आप लोगों के बीच हम लोगों के बीच घूम घूम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे, वही लोग हैं जो आप लोगों की नौकरी के बदले में जमीन लिखवाने का काम करते थे, और अब तो इन्होंने बस तरीके से इस योजना को अंजाम देने का प्रावधान बनाना शुरू कर दिया है। इनहेरिट माध्यम से अब विरासत पर टैक्स लगाने की सोच कांग्रेस और राजद के नेता करने जा रहे हैं। आप लोगों की जितनी जमीन है चाची, आप लोगों का जितना गहना जेवर होगा ना, कांग्रेस और राजद का लोग आएगा उसका 55% अपने खजाने में ले लेगा। ये हमले की जरूरत है कि किस तरीके से हम लोगों का थोड़ी बहुत संपत्ति जो भी अर्जित की गरीब किसान गरीब मजदूर या उसको भी हड़पने की सोच कांग्रेस और राजद के लोग रखते हैं, और भ्रम फैलाने का ये लोग काम करते हैं, झूठ बोलने की बात करते हैं, कभी कहेंगे
संविधान खत्म हो जाएगा, कहेंगे आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तो कभी कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये लोग लोकतंत्र की बात, जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, ये लोग लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं। आज मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि पर खड़ा होकर उन्हीं के संघर्षों की कसम खाकर आप सबसे वादा करके जाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ये वादा आपसे मेरे प्रधानमंत्री जी भी करके जाते हैं। साथियों, जो लोग को खतरे में बताते हैं वो आप लोग की गरीब कल्याण योजनाओं पे नजर रखते हैं। आज मैं मेरे प्रधानमंत्री जी से भी इस मंच के माध्यम से आग्रह करूंगा कि सर ऐसे प्रावधान बना दिए जाए ताकि आरक्षण को लेकर उम्र भर के लिए ये बहस ही समाप्त हो जाए। संविधान की धारा, कानून की धाराओं का इस्तेमाल कर जो लोग बार बार आरक्षण संविधान को लेकर भ्रम फैलाते हैं उसकी चर्चा ही पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाए। ये प्रावधान प्रधानमंत्री जी आने वाले दिनों में आरक्षण और संविधान को लेकर करें, ये मैं अपेक्षा रखता हूँ। और अंत में साथियों बस इतना कहूँगा कि अगर ये लोग आए तो खतरा हम लोग की गरीब कल्याण योजनाओं को है, कांग्रेस राजद के लोग हैं। आज जितने लोगों को 5-5 किलो अनाज मिलता है, एक बार हाथ उठाकर प्रधानमंत्री जी को बताएं कि आप लोग को अनाज मिल रहा है ना, जिनको मिल रहा हाथ उठाकर बताएं। अगर कांग्रेस के लोग आए, राजद के लोग आए, तो ये लोग ये अनाज मिलना बंद करा देंगे, आयुष्मान को ये लोग बंद करा देंगे, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि गरीब गरीब रहे। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। आइए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के इस लक्ष्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। और एक बार अंत में जोरदार ऐसी ताली बजाइए कि हम सबको, प्रधानमंत्री जी को हम सब विश्वास दिला सकें कि बिहार से 40 की 40 हम लोग प्रधानमंत्री जी को देने जा रहे हैं। जोरदार ताली से आदरणीय प्रधानमंत्री जिंदाबाद, आदरणीय प्रधानमंत्री जिंदाबाद। अंत में साथियों पुनः मेरे पिता की धरती को मैं नमन करते हुए अपने पिता को एक बार फिर से मन से श्रद्धांजलि देता हूँ। मेरी माँ मेरी ताकत यहाँ पर मौजूद है, एक बार उनको नम चरणों में भी नमन करते हुए आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, NDA गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।